ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे, उनकी दो पत्नियां थीं उत्तानपाद की, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र थे लेकिन छोटी माँ के अपमान करने से, अपमानित तो होकर बड़ी माँ के उपदेश के बाद वो चले गए वन में भगवान को पाने के लिए। लेकिन बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए दीक्षा ले लेनी चाहिए। दीक्षा की भावना से, अब उन्हें तो पता नहीं था बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, इसलिए चले जा रहे थे। पर भगवान को जब कभी कृपा करनी होती है तो सारे संयोग बना देते हैं। देवर्षि नारद उन्हें मिल गए और देवर्षि नारद ने उन्हें मंत्र दिया, इस मंत्र को जाप करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि तुम इस मंत्र को जपना, इस मंत्र को जपोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा और ध्रुव जी को यह बात समझ में आ गई और ध्रुव जी ने वही किया। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, मन क्रम वचन से ध्रुव जी ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने गुरु के दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा के साथ जाप प्रारंभ किया। प्यारे, मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कोई वरदान मांग लो, जो चाहो सो। ध्रुव जी कह रहे प्रभु, पहले तो बोल ही नहीं निकल रहा था, वाणी मूक हो गई थी। भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से लगाया तो उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और जब बोलना प्रारंभ किया, यौंता प्रवस ममवाच मिमाम प्रसुप्तम संजीवयत खिल शक्ति धरा सुदामना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्रणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, आप ही सबकी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं, आप ही सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले आप ही हैं। हे परम पुरुष, मैं आपको बार बार नमन करता हूं। भगवान बोले कोई वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते प्रभु, जब तक आपका दर्शन नहीं किया था ना, तब तक बड़ी इच्छा थी, ये मांगूंगा ये मांगूंगा ये मांगूंगा। परंतु आपका दर्शन करने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं कुछ भी मांग लूं, कितना भी बड़ा राज्य मांग लूं, अंत तो गत्वा तो मुझे ये राज्य भी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे आपसे वो नहीं चाहिए जो छोड़ना पड़े। मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान रीझ गए अपने भक्त पर। निष्काम भक्त हो तो, और निष्काम भक्त का मैं पूरा ध्यान रखता हूं। ये जना परिपासते तेसाम नियुक्ता व्युक्ता नाम योग क्षेम बहाम्यहम, योग क्षेम बहाम्यहम। अनन्या चिंतियंतो मा, जो मनुष्य मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मैं भी उस भक्त की उपासना उतने ही मन से करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। और जिस मन से वो उपासना करता हूं, उतने ही मन से उसी भाव से मैं उसकी उपासना करता हूं। और जो निष्काम भाव से मेरी शरणागति स्वीकार करता है, मैं उसका सारा योग क्षेम बहन करता हूं। ध्रुव जी महाराज से कहा कि तुमने निष्काम भक्ति की है, परंतु मैं तुम्हारी इच्छा को मरने नहीं दूंगा। तुम यहां रहोगे तब तक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करोगे। कितने?
36,000 वर्ष, और सशरीर तुम मेरे लोक आना, तुम्हारे लिए मैं अपना लोक खाली कर दूंगा और फिर वहां राज्य करना, विष्णु लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। तुम यहां भी राज्य करोगे और तुम वहां भी राज्य करोगे। बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक, एक और बात बहुत अच्छी, यक्षों के हाथों से ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई का वध हो गया। महाराज ध्रुव जी ने ऐसा भीषण युद्ध किया कि यक्षों की रेल बना दी, त्राईमाम करने लग गए थे। तब ब्रह्मा जी और महाराज मनु पधारे ध्रुव जी के पास और ध्रुव जी से कहने लगे, इतना क्रोध करना ठीक नहीं। हम जानते हैं कि तुम अपने भाई के लिए युद्ध कर रहे हो, अब भाई का जाना एक प्रारब्ध है, समझो प्रारब्ध है, उसे कोई नहीं टाल सकता। परंतु यह भी सत्य है कि एक के लिए इतनी हत्याएं ठीक नहीं, तुम क्रोध को त्याग दो। महाराज अपने पितामह के कहने पर एक क्षण में ध्रुव जी ने क्रोध त्याग दिया, एक क्षण में।